राजधानी लखनऊ में कुत्तों का आतंक, उनके मालिकों की हेकड़ी और नगर निगम की अनदेखी लोगों के लिए आफत बन रही है। आए दिन लखनऊ की गलियों में लोग आक्रामक कुत्तों के हमले का शिकार हो रहे हैं। पालतू कुत्तों के मालिकों की हनक के आगे लोग सिर्फ कराहते नजर आते हैं। शहर में कुत्ता पालने को लेकर प्रशासन की तरफ से बड़ी बड़ी गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। खुद सीएम योगी पालतू कुत्तों को लेकर सख्त निर्देश दे चुके हैं, लेकिन जारी की गई सभी गाइडलाइंस सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई हैं। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के रहीम नगर डुडौली में 15 दिन पहले एक महिला सुबह सुबह टहलने निकली थी। इस दौरान महिला को दो पालतू कुत्तों ने बुरी तरह नोच डाला। मोहल्ले वालों ने विरोध किया तो कुत्ते का मालिक महिला का इलाज कराने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बाद में इलाज कराने से मुकर गया। इलाज में महिला के हाथ पैर में करीब 15 टांके लगे। न्याय के लिए महिला ने अल्पसंख्यक आयोग का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रहीम नगर डुडौली की रहने वाली 52 वर्षीय अतिकुन्निसा बीते 16 अक्टूबर की सुबह घर के बाहर टहलने निकली थी। इस दौरान अतिकुन्निसा पर पालतू कुत्ते ने हमला कर दिया। वहीं मौजूद कुत्ते का मालिक बचाने के बजाय दूसरा कुत्ता भी अतिकुन्निसा पर छोड़ दिया। दो कुत्तों के हमले से महिला की हालत गंभीर बनी है। फिलहाल पुलिस अल्पसंख्यक आयोग के आदेश के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जहां पुलिस पालतू जानवरों को लेकर जारी दिशा निर्देश की भी जांच में जुटी है। लखनऊ से अबू तलहा की रिपोर्ट, आज की खबर।